नमस्कार, प्राइम ब्रेकिंग न्यूज में आपका स्वागत है। ब्रेकिंग यानी सबसे पहले सबसे आगे। देश की हर खबर हम पहुंचाएंगे आप तक, मुद्दे आपके उठाएंगे हम बिना दबे बिना रुके। जुड़े रहिए आप हमारे साथ। पुलिस को टप्पेबाजी सूचना देकर खुद पैसे हड़पना दो युवक को महंगा पड़ गया। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। मामला सलोन कोतवाली क्षेत्र जहां मोहम्मद कैफ निवासी शिवनगर खादरा जनपद लखनऊ, जो कि एक डिलीवरी बॉय हैं, उन्होंने सूचना दी कि इलाहाबाद से बिस्किट की डिलीवरी करके लौट रहे थे। प्रतापगढ़ जनपद के लालगंज के पास तो लोगों ने उससे लिफ्ट मांगी और लिफ्ट मांगने पर उसे लिफ्ट दे दिया गया। उसके बाद रास्ते में रेस्टोरेंट के पास पिकअप ड्राइवर ने गाड़ी को रुकवाया और चाय पीने के लिए कहा। इसके दौरान ही काले रंग की एक सफारी गाड़ी पिकअप आगे कुछ देर तक रुकी रही। उसके बाद दोनों व्यक्ति ने कहा कि गाड़ी को रोका जाए और दोनों ने चाय का पैसा देकर सफारी गाड़ी में बैठकर चले गए और गाड़ी में रखे 1,90,000 रुपये भी गायब हो गए। इस बात की सूचना उसने सलोन कोतवाली पुलिस को दी। पुलिस हरकत में आए तुरंत वरिष्ठ अधिकारी घटनास्थल का निरीक्षण किया। प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए सीसीटीवी फुटेज चेक किया, लेकिन बता दें कि गाड़ी ड्राइवर के बार बार बयान बदलने को लेकर पुलिस को शक हुआ। जब दोबारा से घटना की जांच की गई, किसी भी सीसीटीवी फुटेज में काले रंग की सुपारी नहीं दिखाई। इसी शक के आधार पर दोनों से कड़ाई से पूछताछ की गई और दोनों ने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया। देखिए, मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं कि 1 जनवरी 2023 को थाना सलोन को डीसीआर की मार्फत ये सूचना प्राप्त हुई कि एक मोहम्मद कैफ नाम के व्यक्ति हैं, जो खदरा के निवासी हैं, लखनऊ के बिस्किट के सप्लायर हैं। वो जब सप्लाई करके वहां से इलाहाबाद से 1,90,000 रुपये लेकर के वो आ रहे थे, प्रतापगढ़ में लालगंज मार्केट में उन्हें दो अज्ञात व्यक्ति मिले, जिन्होंने कहा कि उनको लखनऊ जाना है तो आप अपनी गाड़ी में हमें बिठा लीजिए, हम आपको 150 रुपये देंगे। इनका कहना था कि साहब, उस लालच में हमने उन दो व्यक्तियों को बिठा लिया। आगे आने के बाद थाना सलोन क्षेत्र में हवेली रेस्टोरेंट के पास उन्होंने कहा कि हम चाय पीने के लिए रुकना चाहते हैं। वो तीनों व्यक्ति चाय पीने के लिए उतर गए, इंक्लूडिंग मोहम्मद कैफ। और इसी बीच में चाय पीने के बाद वहाँ पर काली सफारी आई, जिसमें इन्होंने कहा कि हमारी गाड़ी आ गई, अब हम लोग यहाँ से आगे चले जाएंगे। वो दोनों उस गाड़ी में बैठ के चले गए। मोहम्मद कैफ ने वापस जा करके जब देखा तो उन्होंने देखा कि उनकी गाड़ी में रखे हुए पैसे गायब थे। इस तरह की सूचना जब पुलिस को उन्होंने दी तो पुलिस ने तत्काल मौके पर पहुंच करके छानबीन शुरू की और सीसीटीवी फुटेज वगैरह की जानकारी की गई। टोल पार करके आए थे, टोल से भी देखा गया और पुलिस को धीरे धीरे उनकी बातों में, जो ड्राइवर था उसकी बातों में कॉन्ट्राडिक्शंस नज़र आने लगे, क्योंकि उनकी गाड़ी तो आती दिखाई पड़ रही थी परंतु उसके आसपास उसके पीछे कोई भी काली सफारी नहीं दिखाई पड़ रही थी। और अन्य भी विरोधाभासों को ध्यान में रखते हुए जब कड़ाई से उनसे पूछताछ की गई तो उन्होंने ये एक्सेप्ट कर लिया कि ये पूरी सूचना पुलिस को झूठी दी गई थी उनके द्वारा। और उन्होंने अपने एक मित्र रजत, जो कि वहीं का रहने वाला है, खदरा लखनऊ का, मिल करके अपने व्यापारी का ये पैसा हड़पने की नीयत से पुलिस को ये झूठी सूचना दी थी। ये दोनों लोग जुआ खेलने के आदी हैं और इनको एक नई मोटरसाइकिल खरीदनी थी और इसी की वजह से इन्होंने प्लान किया था कि इस झूठी सूचना को दे करके पूरा पैसा हम हजम कर जाएंगे और उससे हम अपना फिर आगे काम कर लेंगे। पुलिस ने पूछताछ के बाद रजत को भी गिरफ्तार किया और दोनों के कब्जे से पूरे पैसे 1,90,000 रुपये, जिसकी टप्पेबाजी की सूचना थी, वो पुलिस ने रिकवर कर लिए हैं और दोनों अभियुक्तों से पूछताछ करके इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई कराई जा रही है। मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं कि 1 जनवरी 2023 को थाना सलोन को डीसीआरबी के मार्फत ये सूचना प्राप्त हुई कि एक मोहम्मद कैफ नाम के व्यक्ति हैं, जो खदरा के निवासी हैं, लखनऊ के बिस्किट के सप्लायर हैं, वो जब सप्लाई करके वहाँ से इलाहाबाद से 1,90,000 रुपये लेकर के वो आ रहे थे, प्रतापगढ़ में लालगंज मार्केट में उन्हें दो अज्ञात व्यक्ति मिले, जिन्होंने कहा कि उनको लखनऊ जाना है, आप अपनी गाड़ी में हमें बिठा लीजिए, हम आपको 150 रुपये देंगे। इनका कहना था कि साहब, उस लालच में हमने उन दो व्यक्तियों को बिठा लिया। आगे आने के बाद थाना सलोन क्षेत्र में हवेली रेस्टोरेंट के पास उन्होंने कहा कि हम चाय पीने के लिए उतरना चाहते हैं। वो तीनों व्यक्ति चाय पीने के लिए उतर गए, इंक्लूडिंग मोहम्मद कैफ। और इसी बीच में चाय पीने के बाद वहाँ पे काली सफारी आई, जिसमें इन्होंने कहा कि हमारी गाड़ी आ गई, अब हम लोग यहाँ से आगे चले जाएंगे। वो दोनों उस गाड़ी में बैठ के चले गए। मोहम्मद कैफ ने वापस जा करके जब देखा तो उन्होंने देखा कि उनकी गाड़ी में रखे हुए पैसे गायब। इस तरह की सूचना जब पुलिस को उन्होंने दी तो पुलिस ने तत्काल मौके पर पहुँच करके छानबीन शुरू की और सीसीटीवी फुटेज वगैरह की जानकारी की गई। टोल पार करके आए थे, टोल से भी देखा गया।
और पुलिस को धीरे धीरे उनकी बातों में, जो ड्राइवर था उसकी बातों में कॉन्ट्राडिक्शंस नज़र आने लगे, क्योंकि उनकी गाड़ी तो आती दिखाई पड़ रही थी परंतु उसके आसपास उसके पीछे कोई भी काली सफारी नहीं दिखाई पड़ रही थी। और अन्य भी विरोधाभासों को ध्यान में रखते हुए जब कड़ाई से उनसे पूछताछ की गई तो उन्होंने ये एक्सेप्ट कर लिया कि ये पूरी सूचना पुलिस को झूठी दी गई थी उनके द्वारा। और उन्होंने अपने एक मित्र रजत, जो कि वहीं का रहने वाला है, खदरा लखनऊ का, मिल करके अपने व्यापारी का ये पैसा हड़पने की नीयत से पुलिस को झूठी सूचना दी थी कि दोनों लोग जुआ खेलने के आदी हैं और इनको एक नई मोटरसाइकिल खरीदनी थी। और इसी की वजह से इन्होंने प्लान किया था कि इस झूठी सूचना को दे करके पूरा पैसा हम हजम कर जाएंगे और उससे हम अपना फिर आगे काम करेंगे। पुलिस ने पूछताछ के बाद रजत को भी गिरफ्तार किया और दोनों के कब्जे से पूरे पैसे 1,90,000 रुपये, जिसकी टप्पेबाजी की सूचना थी, वो पुलिस ने रिकवर कर लिए हैं और दोनों अभियुक्तों से पूछताछ करके इसमें अभिविधि कार्रवाई कराई।